खेल संग्राम में आपका स्वागत है। मलेशिया में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत पाकिस्तान को 3-2 से हरा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी। मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीमों ने गोल करने की कोशिश की लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। इसके बाद 18वें मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर रुपिंदर पाल सिंह ने भारत के लिए पहला गोल किया। 23वें मिनट में अफगान यूसुफ ने भी गोल कर भारत को 2-0 से बढ़त दिलाई, लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तान ने अपना पहला गोल किया। पाकिस्तान के लिए पहला गोल 26वें मिनट में अलीम बिलाल ने किया। दूसरे हाफ के 44वें मिनट में अली शाह ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल कर स्कोर 2-2 अंकों से बराबरी पर ला दिया, लेकिन 91वें मिनट में निकिन थमैया ने गोल कर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। सरदार सिंह प्लेयर ऑफ द फाइनल बने। वही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले रुपिंदर पाल सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को इस जीत पर ट्वीट कर बधाई संदेश दिया। आपको बता दें कि इससे पहले 2011 में हुए फाइनल मुकाबले में भी भारत ने पाकिस्तान को 4-2 के अंतर से हराया था। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।